नमस्कार, स्वरमे टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्षिका और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग दिस मॉर्निंग। संसद के मॉनसून सत्र का आज पांचवा दिन है और कांग्रेस ने मणिपुर मुद्दे पर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस दिया है। लोकसभा में कांग्रेस के व्हिप मणिकम टैगोर ने बताया कि प्रधानमंत्री मणिपुर पर कोई बयान नहीं दे रहे हैं, इसलिए आखिरी हथियार इस्तेमाल करना उनका कर्तव्य है ताकि प्रधानमंत्री का घमंड टूटे। दरअसल विपक्ष जानता है कि सरकार सदन में आसानी से बहुमत साबित कर देगी, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस स्वीकार होता है तो प्रधानमंत्री का भाषण भी होगा, जिससे सभी पार्टियों को चर्चा का मौका मिलेगा। अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ सदन में सरकार को घेरने का तरीका है। नो कॉन्फिडेंस मोशन पर सांसदों ने कई बयान दिए हैं, जिसमें ये साफ है कि विपक्ष सरकार के चर्चा नहीं करने को लेकर परेशान है। सभी का कहना है कि देश में ऐसी स्थिति कभी नहीं बनी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए प्रधानमंत्री को चर्चा करने के लिए सदन में आने के लिए मजबूर किया जाए। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अभी लोकसभा में एनडीए के 335 सांसद हैं। मोदी सरकार के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव 20 जुलाई 2018 में आया था, तब सरकार को 325 और विपक्ष को 126 वोट मिले थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के रीडेवलप किए गए ITPO यानी इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स का इनॉग्रेशन आज शाम 6 बजे करेंगे। इससे पहले उन्होंने ITPO परिसर में हवन और पूजा की। इस कॉन्वेक्शन सेंटर में 9 से 10 सितंबर तक 18वीं G20 की बैठक होने वाली है। 123 एकड़ में फैले कन्वेक्शन सेंटर का रीडेवलपमेंट 2700 करोड़ में हुआ है, जो देश का सबसे बड़ा MICE मीटिंग्स इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन सेंटर है। इसमें 7000 से ज्यादा लोगों के बैठने की क्षमता है और ये सिडनी के ओपेरा हाउस से भी बड़ा है। इस कन्वेक्शन सेंटर में 3000 व्यक्ति के बैठने की क्षमता वाला एक एम्फी थिएटर भी है, जो 3 PVR थिएटरों के बराबर है। इस कन्वेक्शन सेंटर में 5500 से ज्यादा वाहनों के लिए पार्किंग की भी सुविधा दी गई है। ऐसे ही खबरों के लिए आप जुड़े रहिए स्वरमे टाइम्स के साथ। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।